की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मान्य बहन जी को हृदय की गहराइयों से कोटिस कोटिस प्रणाम करता हूं कि एक अति पिछड़ा समाज का बेटा, एक 52% पिछड़े समाज का बेटा जो आज से 34 साल पहले भूत का कार्य करता रहा हो, वो समाज जो अति पिछड़ा समाज, जो गांव के खेत खलिहान चौबारों पगडंडियों में जीता हो, जिनके घरों में चराग मैसर न हुआ हो, जिनके घास हो छज्जे का मकान हो, जिनके बच्चे कभी पैसों के अभाव में पढ़ाई ना कर पाते हो, वो समाज जो गुमनाम बेनाम की जिंदगी जीवन यापन करता हो, जिस समाज को कोई नाम न मिला हो, ऐसे समाज गरीब अति पिछड़े भूत के कार्यकर्ता को यदि मान्य बहन जी ने भारतवर्ष के सबसे बड़े प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो मैं मान्य बहन जी को हृदय की गहराई से पिछड़े समाज की तरफ से, बहुजन सर्वजन समाज की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से कोटिस कोटिस प्रणाम करता हूँ। और इस बात का भी यकीन दिलाता हूँ कि मान्य बहन जी, आपने बूथ के कार्यकर्ता पे भरोसा किया है, तो हम भी आपको यकीन दिलाते हैं, कसम बाबा साहेब के 2022 में भी हम नोट रोटी खाएंगे, हाथी पे बटन दबाएंगे, माननीय बहन जी को 5वीं बार सीएम बनाएंगे, ये हम संकल्प लेते हैं इस संगम प्रयागराज से। मैं आपको कुछ कहूँ इससे पहले, मैं भीम राजभर, हमारा समाज जिनको 14 अप्रैल 1984 के पहले ये 52% पिछड़े समाज के लोग, अकलियत गरीब समाज के लोग 14 अप्रैल 1984 के पहले, आज़ादी के बाद 1952 के बाद हम लोगों ने वोट देने का काम किया, गाहे बघाए वोट देने का काम किया। हमारी पहचान 84 तक नहीं थी, हम भर को कोई जानने वाला नहीं था, बिन भोई बातम मला चौहान पासे खटे सुनकर यादव चौहान कुर्मी तेली साह किसैनी बिन कुशवाहा पटेल लोहार प्रजापति कुम्हार, अखिलेश समाज के लोगों की पहचान 84 तक नहीं थी। लेकिन धन्य है मान्य और कांसी राम साहब जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और नीला झंडा हाथे निशान दिया और जय भीम का नारा इकबाल और बुलंद किया, तब जाके राजभर के बेटे को भी पहली बार बागी बलिया में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजभर को जिला अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। आज राजभर समाज का बेटा यदि जिला अध्यक्ष बना बलिया में, मेरे पिछड़े समाज के भाइयों आप बताइएगा, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि राजभर समाज के बेटे को बलिया में जिला अध्यक्ष बनाया, सत्येंद्र राजभर को, श्री बब्बन राजभर जी को मऊ में, भीम राजभर को गाजीपुर में, माननीय श्री ललन राजभर, हरिनाथ राजभर जी को, और आज जो छोटी पार्टी के क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के समाज को बता रहे हैं अपनी बात, उनको भी पहली बार जिला अध्यक्ष किसी ने बनाया, बनारस का श्री ओम प्रकाश राजभर जी को तो बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। आपको ये बताना होगा कि आपको सिर्फ डॉक्टर हरिशंकर राजभर जी को कुशीनगर का जिला अध्यक्ष बनाया, माननीय श्री रामसेवक राजभर जी को बनारस का बनाया। आपको इस बात को बताना होगा, राजभर समाज को सिर्फ जिला अध्यक्ष ही नहीं बनाया, सेक्टर प्रभारी सुरेंद्र राजभर आजमगढ़, त्रिलोकी राजभर, मिट्ठू राजभर, राजा राम राजभर, अशोक राजभर, जनार्दन राजभर बलिया से, रामजपित राजभर संत कबीर नगर से, मनी राम गोरखपुर से, आपको इस बात को बताना होगा, हर्ष राजभर बनारस से, बुझारत राजभर गाजीपुर से, राजभर समाज के बेटों को जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी ने नहीं बनाया, उनको सेक्टर प्रभारी भी, मुख्य सेक्टर प्रभारी भी बना के सम्मान देने का काम किया। और 14 अप्रैल 1984 के बाद यदि 89 में चुनाव हुआ तो किसी ने राजभर समाज को एमएलए का टिकट दिया, तो ये नीला झंडा हाथी निशान 17 टिकट देके एमएलए लगाने का काम किसी ने किया, तो मान्य कांसी राम साहब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। आपको बताना होगा, बेचन राजभर जी को घोसी से, कालीचरण राजभर जी को जहूराबाद से एक नहीं 4 बार, माननीय श्री
किशुन राजगढ़ जी को, आजमगढ़ फूलपुर से, सदर मऊ से मुझको टिकट देने का, माननीय श्री चंद्रभूषण राजगढ़ जी को चिलकार से, छोटेलाल राजगढ़ जी को चिलकार से, सिकंदरपुर से, हमारे बीच में इतना ही नहीं, कोलसला से दो बार टिकट भी श्री ओम प्रकाश राजगढ़ को दे के लड़ाने का और राजनीति का कहरा सिखाया तो बहुजन समाज पार्टी ने। आपको ये बताना होगा मेरे राजगढ़ पिछड़े समाज के बेटों, आपको सिर्फ यही नहीं, माननीय श्री रामचंद्र राजगढ़ जी को 5 बार MLA का टिकट दिया अम्बेडकर नगर अकबरपुर से, जो 6वीं बार उनके बेटे संजय राजगढ़ को दिया, राजगढ़ समाज के कुलभूषण माननीय श्री सुखदेव राजगढ़ साहब को लालगंज दीदारगंज से 6 बार टिकट दिया। माननीय श्री आपको यही नहीं, आपको उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, चिरेगांव रमेश राजगढ़ जी को टिकट दिया, हमारे बीच में कसया से श्री डॉक्टर हरिशंकर जी को दिया, रुद्रपुर से रमाशंकर राजगढ़ जी को दिया, और मेरे राजगढ़ पिछड़े समाज के बेटो आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, यहाँ से सुदूर दूर महाराष्ट्र हजारों किलोमीटर दूर श्री नानक चंद राजगढ़ जी को बोरीवली से दिया, रमेश राजगढ़ जी को अंधेरी से दिया, मध्य प्रदेश में आनंद सिंह कुमार सिंह जी को सिहोरा से दिया, उत्तराखंड में श्री लल्लन राजभर को ऋषिकेश चंद्रभागा से दिया, हमारे बीच में बिहार से श्री सरोज राजभर को बक्सर से दिया। इतना ही नहीं, हमारे बीच में गुजरात से राम सिंह राजभर को भी MLA का टिकट देके लड़ाने का काम किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। आपको इस बात को बताना होगा, राजभर समाज का सम्मान यदि है तो बहुजन समाज पार्टी ने आपको सिर्फ MLA लड़ाया नहीं, आपको शिक्षा मंत्री, सहकारिता मंत्री, परिवहन मंत्री बना के सम्मान देने का काम किया। और वो राजभर समाज का बेटा जो खेत खलिहानों में पगडंडियों में पंचायत नहीं कर सकता था, जो अपने मेंबरी का चुनाव नहीं जीत सकता था, ऐसे राजभर समाज के बेटे को आदरणीय माननीय बहन जी ने 403 MLA की पंचायत करने के लिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष और स्पीकर बना के सम्मान देने का काम किया। भारत गौरव को सम्मान पाने का श्रेय जाता है उनको, तो ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। आपको सिर्फ चुनाव हारने के बाद MLC बनाया, चुनाव हारने के बाद माननीय रामचंद्र राजभर जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, एक बार प्रदेश अध्यक्ष राजगढ़ समाज को नहीं, मेरे जैसे बूथ के कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनाया, राष्ट्रीय महासचिव श्री रामचंद्र राजगढ़ जी को बनाया। और इतना ही नहीं, जब MP की बात आई तो राजभर समाज के बेटे बलिया सदर से उनको माननीय श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजभर को टिकट देके, MP का टिकट देके इनके खिलाफ लड़ाने का काम किया। उत्कृष्ट सांसद से सम्मानित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी मंत्री पद की शपथ नहीं ले, डायरेक्ट प्रधानमंत्री की शपथ ली, उनके खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी के खिलाफ यदि किसी ने पहली बार MP का टिकट दिया राजभर पिछड़े समाज के बेटे को, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बलिया लोकसभा सदर से दिया। आपको श्री बबन राजभर जी को लोकसभा सलेमपुर से दिया, दिग्गजों की सरजमी जहां से कोई लड़ने की सोच नहीं सकता, ऐसी जगह पे भी माननीय बहन जी ने गरीब बेटे बबन राजभर जी को MP का टिकट दिया, जिनके पास नामांकन के पैसे नहीं थे, लेकिन धन्य बहुजन समाज, जीवन में रिश्ते हो ये जरूरी रहे, लेकिन रिश्तों में जीवन का होना बहुत जरूरी है, और ये बहुजन समाज की ताकत ने दिखा दिया, एक गरीब का बेटा, पिछड़े का बेटा पैसे के अभाव में नामांकन नहीं हुआ तो अपने गाढ़े पसीने की कमाई से पैसा दे के श्री बब्बन राजभर का नामांकन कराया, और जहाँ 2.5 लाख वोट सलेमपुर में राजभर के बिटवा का था, 3.5 लाख वोटों से जीता के पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, सांसद बना के तो श्री बब्बन राजभर जी को भेजने का काम किया। माननीय श्री रमाशंकर राजभर जी को सलेमपुर से ला के सम्मान देने का, सांसद बना के सम्मान देने का काम किया। माननीय श्री कमलाकांत राजभर जी को बनारस से, शशिकांत राजभर जी को सकल दिया से लड़ा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के लड़ाने का काम किया। आपके बीच में राजभर समाज का सम्मान, इतना ही नहीं, राजभर समाज का सम्मान सदैव रहा है। माननीय बहन जी जब अम्बेडकर नगर से सांसद होती है तो यदि प्रतिनिधि भी बनाती हैं तो श्री राम सिंह राजभर को, मेरे कहने का मतलब आज राजभर समाज कोई सम्मान नहीं, यहाँ हमारे बीच में पाल समाज के लोग बैठे हुए हैं, पाल समाज की बात करें हम आज तो हमारे बीच में माननीय श्री दयाराम, माननीय श्री भागवत पाल जी मझवा उत्तर प्रदेश
मिर्जापुर से मझमा से पहली बार पाल समाज के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, दूसरी बार मऊ जनपद से श्री दयाराम पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, MLC बनाया, सुदूर राज्य मंत्री का दर्जा दिया। हमारे बीच में माननीय श्री दशरथ पाल जी बैठे हुए हैं, यही प्रयागराज से राजू पाल को विधायक बनाया, पूजा पाल को विधायक बनाया। हमारे बीच में माननीय श्री अयोध्या पाल जी को मंत्री बनाया, SP सिंह बघेल जी को राष्ट्रीय महासचिव, MP राज्यसभा बनाया, माननीय राकेश पाल जी को झांसी से जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, माननीय प्रभावती पाल जी को MLC बनाया। हमारे बीच में माननीय श्री राजा राम पाल जी को MLA मंत्री बनाया, माननीय श्री मथुरा पाल जी को मंत्री बनाया। आपके बीच में पाल समाज का सम्मान यदि कहीं है, एक गड़ेरी समाज का भी सम्मान कहीं है, तो आपको गर्व करना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने पाल समाज को सम्मान देने का काम किया। आपके बीच में यदि पासी समाज की बात आती है तो आप बताइए कि इंद्रजीत सरोज जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया। हमारे बीच में आर के चौधरी जी को मंत्री बनाया, माननीय उषा रावत जी को महिला आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया, हमारे बीच में कमला प्रसाद रावत जी को MP बनाया, श्रीमती धर्मी रावत जी को गिद्दौर से MLA बनाया, माननीय महाप्रसाद जी को भी खीरी लखीमपुर से MLA दो बार बना के सम्मान देने का काम किया, रमाशंकर भार्गव जी को, जयप्रकाश रावत जी को, राम समूज पासे जी को भी राष्ट्रीय महासचिव किसी ने बनाया तो बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। आपको इस बात को भी कहना होगा, यदि यादव समाज का बेटा है तो आपको बताना होगा कि यादव समाज का सम्मान भी कहीं नहीं है तो बहुजन समाज पार्टी में। आपके पहली बार यदि हमारे 3 MP हुए, आदरणीय मान्य बहन जी, दूसरे हरभजन सिंह लाखा साहब, और तीसरा कोई MP हुआ तो यादव समाज का बेटा एडवोकेट रामकृष्ण यादव जी चुन के गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। आपको यही बताना होगा कि सहोदर भाई माननीय श्री रमाकांत यादव और उमाकांत यादव जो को भी एक बार साथ में MP बनने का सौभाग्य किसी ने दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया। आपको इस बात को भी बताना होगा, 1995 में 2 MLC की सीट थी, लेकिन धन्य मान्य बहन जी, बाबा काशीनाथ जी को और बाबा रामनाथ यादव जी को, काशीनाथ यादव जी को आप जानते होंगे, जागृत जत्थे के कलाकार, माने रामनाथ यादव जी को 2 MLC की सीट थी और दोनों में यादव समाज के बेटों को MLC बना के सम्मान देने का काम किया। भालचंद यादव जी को MP बनाया, बालेश्वर यादव जी को MP बनाया, कैलाश नाथ सिंह यादव को MP मंत्री MLA बनाया, कपिल देव यादव जी को नथुपुर से MLA बनाया। माननीय हमारे बीच में उनके लड़के को भी सुनील यादव को ओबरा से विधायक बनाया, राम रतन यादव जी को भी मंत्री बनाने का काम किया। यदि मेरे चौहान समाज के बेटे हैं तो आप इसको भी बताइए, चौहान समाज का भी सम्मान है, पहली बार राज्यसभा में सांसद बना के भेजने का काम किसी ने किया, आज सत्ता नसीन है, कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश की सरकार में, श्री दारा सिंह चौहान जी को भी पहली बार राज्यसभा बना के भेजने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, संसदीय दल का नेता बना के उनको सम्मान देने का काम किया, महामहिम बिहार माननीय फागु चौहान साहब को भी घोसी से MLA का टिकट देके कैबिनेट मंत्री राजस्व मंत्री बनाने का काम किया, माननीय श्री वीरेंद्र चौहान जी को MLC बनाया, माननीय श्री शिवशंकर चौहान जी को बांसी बलिया MLA बनाया, माननीय श्री हमारे बीच में बाल किशुन चौहान जी घोसी की वो प्रतिष्ठा परक सीट जहाँ पे पूर्व केंद्र मंत्री कल्पनाथ राय जी का परिवार लड़ रहा था, और ये बहुजन समाज की ताकत है कि एक पिछड़े समाज के बेटे, नोनिया समाज के बेटे को भी 80,000 रुपये में मात्र खर्च करके और उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी ने बनाया, श्री बालकिशन चौहान को तो बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। आपको इस बात को भी कहना होगा, लालजी चौहान जी को बनाया, माननीय मुसाफिर चौहान जी को चेयरमैन बनाया, माननीय श्री बब्बन चौहान जी को बनाया। आप यदि पटेल कुर्मी की बात करते हैं तो आपको बताना होगा, हम लोग जो बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी ने पिछड़े समाज को जो सम्मान दिया है, यदि आप लोग ये सारी चीजें बताएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि 22 में हमारी BSP की सरकार बनेगी। लेकिन आपको बताना होगा, यदि कुर्मी पटेल समाज की बात आती है, श्री जंग बहादुर पटेल जी को प्रदेश अध्यक्ष, माननीय श्री के सचान जी को प्रदेश अध्यक्ष और MLC बनाया, माननीय श्री सोनेलाल पटेल जी को उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव बनाया, माननीय रामलखन वर्मा जी को मंत्री बनाया, माननीय बरपुराम वर्मा जी को सगड़ी आजमगढ़ से कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधानसभा
लोकसभा अध्यक्ष बनाया, माननीय श्री लाल जी वर्मा साहब को आज उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कटहरी से कई बार लगाया और कैबिनेट मंत्री बनाया, उनकी सुपुत्री डॉक्टर छाया वर्मा को जलालपुर से एमएलए का टिकट देके लड़ाया, माननीय श्री सुषमा पटेल मुंगरा बादशाहपुर से एमएलए बनाया, माननीय श्री जीएम सिंह कुशवाहा जीएम सिंह जी को सहजनवा से एमएलए बनाया, माननीय बालचरण पटेल जी को चित्रकूट बांदा की तरफ से सांसद बनाया, हमारे बीच में राम समूज पटेल एमएलए को बनाया, माननीय राम प्रसाद चौधरी जी को मंत्री बनाया, हमारे बीच में इतना ही नहीं निषाद समाज की बात आवे तो है मेरे निषाद भोई बातम बिन मला केवट केवट। आप लोगों को भी बताना होगा कि इस पृथ्वी पे, इस पूरे पृथ्वी पे 75% जल है और 75% थल है, 75% पे जिसकी डोंगी डोंगा नाव जहाज चलते हैं वो गुहाराज निषाद का वंशज मल्ला बिंद भोई माथम और निषाद कहलाता है। आपका भी सम्मान यदि कहीं है तो बहुजन समाज पार्टी में है, माननीय लालचंद निषाद जी को एमएलसी बनाया, माननीय श्री अक्षयवर भारती वो गरीब का बेटा घोसी से एमएलए बनाया, माननीय श्री राम गोपाल निषाद जी को गोरखपुर से एमएलए मंत्री बनाने का काम किया, माननीय श्री जमुना निषाद जी को मंत्री बनाया, विभूति निषाद जी को मंत्री एमएलसी बनाया, माननीय विशंबर निषाद जी को मंत्री बनाया और मेरे विमल निषाद जी को एमएलसी लड़ाया, राम निहाल निषाद जी को एमपी लड़ाया, सिया राम निषाद जी को एमपी लड़ाया और पिछड़ा आयोग का सदस्य बनाया। इतना ही नहीं, यही सिर्फ निषाद समाज की बात खत्म नहीं होती, बिहार में श्री भरत बिंद जी निषाद समाज के बेटे समझे, बिहार में भरत बिंद जी को 8 साल प्रदेश अध्यक्ष बनाया, भभुआ से उनको एमएलए का टिकट देके चुनाव लड़वाया, श्री ब्रजकिशोर बिंद जी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनको चैनपुर से एमएलए बना के लड़ाने का काम किया। हमारे बीच में यदि जायसवाल समाज की बात आती है तो ये भी बताइए कि श्री गोरख प्रसाद जायसवाल जी को सांसद बनाने का काम किया, श्री राम प्रसाद जायसवाल जी को एमएलए लड़ाने का काम किया, श्री आलोक जायसवाल जी को मऊ जनपद का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया। यदि हमारे बीच में गुप्ता समाज की बात आती है तो ये भी बताइए कि श्री नंद गोपाल नंदी जी को कैबिनेट मंत्री बनाया, वेद प्रकाश गुप्ता जी को अध्यक्ष लड़ाया। हमारे बीच में यदि नाई समाज की बात आती है तो आप बताइए कि हीरा ठाकुर जी को भी एमएलसी किसी ने बनाया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। आपको इस बात को बताना होगा रामचंद्र प्रधान जी को एक बार एमएलसी, साथ ही पीसीएफ का चेयरमैन बनाया, धर्मेंद्र प्रधान जी को जिला पंचायत बनाया, अध्यक्ष बनाया लखनऊ का, माननीय दयाराम सेन जी को राज्य मंत्री बनाया, भानु प्रताप सिंह जी को सहकारिता विभाग में नामित किया, एमपी वर्मा जी को 3 बार एमएलए बनाया, श्रीमती अनिता प्रधान जी को महिला आयोग का चेयरमैन बनाया। है मेरे बहुजन समाज के बहादुर कार्यकर्ताओं, यदि आपके बीच में माइनॉरिटी समाज की बात आती है तो आप इसको भी बताइए कि हमसे पहले जनाब मुनकाद अली साहब भी सूबे के सदर थे, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मुनकाद अली साहब को माननीय श्री 18 विभागों के मंत्रालय श्री सिद्दकी साहब को देने का काम किया। हमारे बीच में माननीय जनाब सालिम अंसारी साहब जिनको जो भूल करके बेटे गरीबों की नगरी से निकल के ताना बाना का कारोबार करते हैं, उनको भी यदि राज्यसभा में सांसद बनाया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, आपकी यही इटवा की है, इटवा के हाजी खुर्शीद आलम जी हमारे बीच में उनको टिकट देके लड़ाने का काम किया, अतर खान जी को बनाने का काम किया, हमारे बीच में माननीय श्री मोहतरमा सैदा खातून जी के अब्बू जान अम्मी जान को एमएलए बनाया डुमरियागंज से और उनकी बेटी को भी एमएलए का टिकट दिया, 150 से हार गई। ऐ मेरे मुस्लिम समाज, अखिल समाज के लोगों, आपको माननीय बहन जी ने विषम परिस्थितियों में भी जब आप हमारी संख्या कम रही तो जनाब गुड्डू जमाली साहब को जो मुबारकपुर से 2 बार एमएलए है उनको माननीय बहन जी ने नेता विधानसभा सदन बना के सम्मान देने का काम किया और आज आपके बीच में प्रभारी हैं, क्या नाम बताएं? अरे जो प्रतापपुर से यहीं बैठे, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, आपके बीच में जनाब अहमद अंसारी जी बैठे हैं, प्रतापपुर से प्रभारी। मान आपको मैं इस बात को कहना चाहता हूँ,
मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूँ कि यदि कोरी समाज की भी अब बात आवे तो सतीश जतारिया बबीना झांसी से एमएलए बनाया। मान्य यदि हमारे बीच में धोबी समाज की बात आती है तो भगवती सागर जी को मंत्री बनाया। रिटायर्ड कमिश्नर चिंतामणि कनौजिया साहब को सेक्टर संयोजक बना के सम्मान देने का काम किया। विश्वकर्मा समाज की बात आती है तो कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा को चेयरमैन बना के सम्मान दिया। फटिक सोनकर की बात आती है तो आप बताइए श्री त्रिलोकी सोनकर दोहरी घाट को चेयरमैन बनाया। श्री मतेश सोनकर जी को एमएलए राय बरेली लड़ाया। माने प्रजापति की बात आती है तो श्री चरण प्रजापति को 3 बार विधायक बनाया। यदि हमारे बीच में शेड्यूल ट्राइब कोल की बात आती है तो पकौड़ी चंद कोल को भी रावर्सगंज से एमपी बनाया। खरवार की बात आती है घमंडी खरवार जी को भी एमएलए बनाया ओबरा से। यदि हमारे बीच में मौर्य समाज की बात आती है तो है मेरे मौर्य समाज के बेटों, इस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष मान्य श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बनाया। मान्य उनको पडरौना से लड़ाया, हारने के बाद एमएलसी बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, आर एस कुशवाहा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मान्य एमएलसी बनाया, सलेमपुर से उनको एमपी का टिकट दे के लड़ाया, मान्य श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी को मंत्री बनाया, पारसनाथ मौर्य जी को अमेठी से लड़ाया, मान्य नरेंद्र सिंह कुशवाहा सांसद मिर्जापुर बनाया, मान्य अनिल मौर्य उदय मौर्य दोनों भाई को राजगढ़ बनारस एमएलए बनाया और केदार वर्मा को बागी बलिया की धरती रेलखड़ा रोड से एमएलए बनाया। इतना ही नहीं मेरे मौर्य समाज के बेटों, आपको 75 जिलों में 63 जिलों के सहकारिता विभाग का चेयरमैन भी किसी ने बनाया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। आपको इस बात को भी समझना होगा, ये बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पिछड़े अकलियत की बात शेड्यूल ट्राइब की नहीं करती, ये तथागत गौतम बुद्ध की राह पे चलने वाली बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मान्य बहन जी के सर्जन हिताय सर्जन सुखाय और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए यदि आज सर्वजन समाज में ब्राह्मण समाज का भी सम्मान है तो बहुजन समाज पार्टी में है। राज्यसभा से 3 बार सांसद, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, आईटी सेल और नेशनल कोऑर्डिनेटर, ब्राह्मण समाज के कुलभूषण, मान्य बहन जी के संग विषम परिस्थितियों में भी भाई बन के चट्टान की तरह खड़े हैं। ऐसे ब्राह्मण समाज के कुलभूषण जो 23 तारीख से अयोध्या से संघनाद कर दिए हैं, माननीय बहन जी को 5वीं बार सीएम बनाने के लिए उनका सम्मान भी, मान्य श्री सतीश चंद्र मिश्रा साहब का भी सम्मान, बहुजन समाज पार्टी में सम्मान स्वाभिमान, आप नकुल दुबे साहब, माननीय अनंत मिश्रा जी, राकेश दत्त पाटिल जी, विनय तिवारी जी, कौशल तिवारी जी, उमेश पांडे जी, माननीय राकेश दत्त पाटिल जी, राम वीर उपाध्याय जी, रंगनाथ मिश्रा जी को भी एमएलए मंत्री बनाया, किसी ने तो बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। आपको इस बात को भी बताना होगा, छत्री समाज की बात आती है, श्री राजकिशोर सिंह जी को कैबिनेट मंत्री, माननीय श्री उमाशंकर सिंह जी को रसड़ा 2 बार एमएलए बना के नेता प्रतिपक्ष, माननीय श्री कुंवर बहादुर फतेह सिंह जी को वन मंत्री बना के सम्मान देने का काम किया। यदि भूमिहार समाज की बात आती है तो ये भी बताइए कि जौनपुर खुटहन से श्री जगदीश नारायण राय जी को भी मंत्री बनाया, माननीय श्री मनोज राय जी को भी मऊ घोसी से एमएलए का टिकट दे के लड़ाया, वो गोरखपुर चौरी चौरा से उपेंद्र राय जी को प्रभारी बनाया। ये तो मेरे बहुजन समाज सर्वजन समाज की बात है। मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मैं भाषण देने नहीं, मैं चिंतन मंथन करके बिगड़ी बात बनाने के लिए आपसे फरियाद करने आया। इसलिए ये सर्वजन बहुजन समाज की बात, सर्वजन हिता सुखाय की बात, 1 लाख वोट पाके हार जाओगे तब, जब विरोधी 1 लाख 1 वोट पा जाएगा, बोलो 1 वोट की कीमत इतनी है कि सरकार बन सकती है और सरकार गिर सकती है। इसलिए हमको भाईचारा बनाना, भाईचारा बनाना, इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये प्रयागराज संगम है और मैं भी चाहता हूँ कि ये बहुजन सर्जन समाज अकलियत सभी का दिलों का संगम हो जाए। इसलिए कहना चाहता हूँ कि समा दर पे जलाना ही नहीं काफ़ी है,
रूहे इंसान जगाओ तो कोई बात बने, हाथ से हाथ मिलाने से नहीं फायदा, अब दिल से दिल मिलाओ तो कोई बात बने, बात बने, बात बने। मैं अपने लोगों को कहने आया हूँ कि आज जो है कलम खोसे भोजपुरी तो आता ही है ना, आज जो है कलम खोसे हैं, काला टाइट पगड़ी बांधे हैं, तो और किसी पार्टी की देन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम साहब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन। कैसे 14 अप्रैल 84 के बाद लगभग 6 सालों तक अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी 4,500 किलोमीटर साइकिल यात्रा पद यात्रा करके, भूखे रह के सूखी रोटी खा के, पैरा पुआल पे बैठ के, जमीन पे कागज बिछा के, इस सोई कौम को जगाने का काम किसी ने किया, माननीय कांसी राम साहब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। पूरे देश के चारों दिशाओं से साइकिल यात्रा करके इस सोई कौम को जगाने का काम किया, और जब ये कौम जागी तो देश की राजधानी जंतर मंतर रोड क्लब पे माननीय कांसी राम साहब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने धरना प्रदर्शन किसके लिए दिया? ये 52% पिछड़े समाज के लिए दिया, ये गरीब कार्यकर्ताओं के लिए दिया। और लगभग 6 सालों के अंतराल में, 6 सालों की मेहनत और लगभग 40-45 दिनों तक, 48 दिनों तक धरना देने के बाद ये नारा लगाना पड़ा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना सिंहासन खाली करो। तब जाके तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, जो पिछड़ा समाज 52% है, जिसका हक, जिसको बाबा साहब कितने बड़े मानवतावादी थे, इन पिछड़े समाज से कितना स्नेह करते थे, आर्टिकल 340 पिछड़ों के अधिकार के लिए सबसे पहले लिखा, लेकिन आज उनके बाद 341 और 342 शेड्यूल कास्ट और ट्राइब को लिखा, 41-42 बाद में और 340 पिछड़े के लिए पहले लिखा। आपको तब अधिकार की बात बाबा साहब ने दी, और बाद में माननीय कांसी राम साहब ने जब 48 दिनों तक धरना दिया तो आपको 52% में 27% आरक्षण मिला, जिसकी बदौलत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक उद्भव हुआ आपका। राजनीति में प्रमुख, सरपंच, मुखिया, ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं, हमारा लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बन रहा है, तो और किसी की देन नहीं है। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के लिए माननीय कांसी राम साहब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन। आपको यकीन नहीं होगा कि 43 साल लग गए एक पिछड़े समाज के बेटे को आईएएस बनने में। श्री राजशेखर चेरी, माननीय राज्यसभा सांसद साहब, कर्नाटक के प्रभारी माननीय श्री राजशेखर चेरी जी को 43 साल पिछड़े समाज का बेटा पहली बार आईएएस बना 43 साल में। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे पिछड़े समाज के लोगों, ऐ मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि माननीय कांसी राम साहब कहते थे कि सोए को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का बहाना किया उसको जगाना मुश्किल है। मैं आज आपके बीच में आया हूँ मेरे पिछड़े समाज के लोगों, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करने आया हूँ कि अब जाग जाओ, उठ जाओ। मैं एक उदाहरण देता हूँ घड़ी का, कि घड़ी में कितने कांटे होते, बोलिए 3। सबसे तेज कांटा जो चलता है टिक टिक करता हुआ, उसको हम सेकंड का कांटा कहते हैं। वो सेकंड का कांटा कौन? वो यहाँ बैठा हुआ ये शेड्यूल कास्ट का बेटा, अनुसूचित जाति का, जिसको अपने अधिकार मिल रहे हैं, जिनको आरक्षण से सुविधा मिल रही, लेकिन आप 52% पिछड़े समाज के लिए इनके दिल में कसक, दर्द, पीड़ा है, जिसके लिए ये बेचैन होके घड़ी के सुई के कांटे की तरह टिक टिक करके दौड़ रहे हैं। इसलिए दौड़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि सुरक्षित विधानसभा पे 1 लाख से अधिक वोट लेके हम बाहें फैला के खड़े,
जनरल सीटों पे 60 से 70 हजार वोट लेके खड़े हैं। शेड्यूल कास्ट का बेटा तैयार खड़ा है, ऐ मेरे पिछड़े समाज के बेटो, 30 हजार वोट लेके आपको ये पुकार के कह रहा है, माननीय कांसी राम साहब के उस बात को बता रहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी आपको लाखों लाख वोट दे रहा है। अरे 30 हजार वोट अपना शामिल करो और अपने गरीब पिछड़े समाज के बेटे को एमएलए बनाओ, ये तो कब से बाहें फैला के तैयार खड़ा है। आपको इस बात को समझना होगा कि दूसरा कांटा क्या होता है, 60 सेकंड में एक बार हिलता है, जिसको हम मिनट का कांटा कहते हैं। वो मिनट का कांटा कौन, वो शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति जो दूधी सोनभद्र छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र तेलंगाना कर्नाटक आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र झारखंड सेवन सिस्टर नागालैंड मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा मेघालय अरुणाचल, इन जगहों पे किन नामों से जाने जाते हैं, गोंड चेरवा उराव मरांडी भगत मुंडा एक्का टोपो तिरकी खलको कावर तावर ध्रुवे लहरी पोयाम कोराम मरावी हल्मी, इन जातियों से जिनको जाना जाता है, जिनका राज चलता है, शेड्यूल ट्राइब जिनको कहा जाता है। और तीसरा कांटा जो होता है वो 60 मिनट में एक बार हिलता है, उसको क्या कहते हैं बोला लो, 60 मिनट में एक बार हिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं घंटा का कांटा। अरे घड़ी का घंटा का कांटा तो 60 मिनट में एक बार हिल भी जाता है। धन्य है 52% पिछड़ा समाज कि 1990 में हिला और आज 2021 है, हिलने की कभी जरूरत नहीं किया। अरे जागो, जो सोया है उसका भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, और जो ये मान ही लिया है कि 22 तक उठबे नहीं करेंगे उसका भी मैं सर झुका के सलाम करता हूँ। उठ जाओ, जाग जाओ, काम करो, नहीं तो आने वाली नस्ल माफ नहीं करेगी। हमारे दादा ने यदि पेड़ लगाया तो नाती ने आम अमरूद और जामुन का फल खाया, यदि एक भाई ने पेड़ नहीं लगाया तो हमारे दादा जिसने पेड़ नहीं लगाया तो उनका नाती किसी दूसरे के बगीचे में गिरे नाली के आम को उठाया तो गाल पे चांटा खाया और चोर कहलाया। आपको सचेत होना है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि घड़ी का कांटा सेकंड का 3 पे, मिनट का 9 पे और घंटे का 6 पे हो तो कभी दिन का 12 का घंटा बच सकता है, नहीं बच सकता। लेकिन यदि सेकंड मिनट और घंटे का कांटा 12 की सीध में हो गया तो दिन का 12 का घंटा बज जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि शेड्यूल कास्ट का बेटा तैयार है, पिछड़े का बेटा तैयार है, शेड्यूल कास्ट का बेटा तैयार है, शेड्यूल ट्राइब का बेटा तैयार है। ए मेरे पिछड़े समाज के लोग, 2022 में आप भी तैयार हो जाओ और घड़ी के कांटे की तरह 2022 में कसम बाबा साहेब के एक सीध में आ जाओ तो 22 में भी यूपी में बीएसपी की सरकार का घंटा बच सकता है, कोई रोक नहीं सकता। आपको समझना होगा कि बाबा साहब ने आपको एक वोट का अधिकार दिया, बाबा साहब ने 1 वोट 1 मन 1 वैल्यू 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान लिखा, राजा रंग अमीर गरीब फकीर सभी को एक वोट का अधिकार दिया। यहाँ सभी मेरे वो कार्यकर्ता हैं जो पसीना बहा के मेंबरशिप देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया, जिसको हम अमूल्य कहते हैं, जिसको कोई खरीद नहीं सकता, एक तरफ बहुमूल्य है। जब हमारा उम्मीदवार खड़ा होता है और लड़ता है तो हम कहते हैं कि आपका कर्मठ ईमानदार निर्भीक उम्मीदवार बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाए। एक तरफ यदि माननीय कांसी राम साहब की बात को लें, यदि कैडर करते हैं तो माननीय कांसी राम साहब जी ने कहा कि हमें टिकाऊ समाज बनाना है, बिकाऊ नहीं। लेकिन एक बाप के 2 बेटे हैं और कैडर पढ़ के गए और एक छोटा कहा कि हमको एक वोट से क्या बन बिगड़ जाएगा,
वो समझ गया, नादानी कर गया, तो उसका वोट 1 से 100 से 500 हजारा से 48 डिग्री, जिसकी पाचन क्षमता तगड़ी होगी, जिसकी पाचन क्षमता कमज़ोर होगी 27 डिग्री में चला जाएगा। लेकिन यदि टिकाऊ है, कैडर है, यदि वफादार है, टिकाऊ है, तो यहाँ मैथमेटिक्स का भी सूत्र फेल है। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पदम, संघ, इसके आगे कोई गणित का पैमाना नहीं। और भारत नहीं, एशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने अमीर हैं अरब खरबे के बीच में लटक रहे हैं। और आपको एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने संघ का दिया है। प्रयागराज से लखनऊ पहुंच जाएंगे तब वो संघ का सुनना कम होने वाला नहीं। यहाँ आपको समझना होगा मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, एक वोट आप नादानी से दे देंगे तो आपकी सत्ता चली जाएगी। और यदि आप जैसे बहादुर कार्यकर्ता टिकाऊ हो गए तो आपको एहसास करा देंगे विरोधी को, कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पदम, संपत्ति का पाप भी आ गया तो हाथी के एक ऊंट को खरीद नहीं सकता है, ये मर जाएगा लेकिन बिकने वाला नहीं है। कोई जोड़ इतना बड़ा आपको बाबा साहब ने अधिकार दिया है। अब यहां समझने की बात यह है कि 4 साल 11 महीना 29 दिन नमक रोटी चटनी भात बासी खा के मड़ई टाटी कपड़ा लत्ता पहन के खेत में हर फरुआ चला के आप आँख नाक कान खोल के रखते हैं। कैसे? कि हमारा, यदि बेटे को चाचा ने एक चाटा मारा तो लड़ पड़ते हैं कि हमारे करेजे का लाल है, काहे मार दिए। यहाँ हम जागृत हैं। कैसे हैं? कि यदि मान लीजिए मैं प्रयागराज आया, मैं चला गया कपिल वस्तु, वहाँ काला नमक चावल, भैया ये सब समझाने के लिए है, मौत को लाइक करो। यदि काला नमक हीरा मोती चावल 10 क्विंटल किसी मित्र का हो गया और हमने कहा कि मैं मौके से आया हूँ तो नहीं 4 क्विंटल लाद दो, फिर ये में मेरा काम भी चल जाएगा, तो देगा चावल? नहीं देगा। यदि 4 मड़ा पट्टा हुआ है मुझको, मेरा बचपन का लंगोटिया यार है, वो कहेगा कि फिर ये में पाए हो 3 मड़ा अपने रख लो, 1 मड़ा हमको दे दो, तो कोई देगा? क्यों नहीं देगा? इसलिए कि यहाँ मालूम है कि ये मेरा, जहाँ जमीन की कीमत निर्धारित, चावल की कीमत निर्धारित, आपको इस चीज़ का ज्ञान है, आपको जानकारी है, आप यहाँ जागे हैं, 4 साल 11 महीना 29 दिन इतनी बात जानते हैं। लेकिन जिस दिन बाबा साहब ने मताधिकार, राष्ट्रीय पर्व, लोकतंत्र का, चुनाव का अधिकार दिया है वोट देने का, उस दिन हम लोग जब गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बउआ वो दवा तो हथिये पे देना चाहते थे, ऐसा विरोधी मति हरण मंत्र मारा है कि मतिये भरमा गई, कंफ्यूज हो गई और बहक गए। 4 साल 11 महीना 29 दिन नहीं बहकते हो, चावल को जानते हो, मिट्टी को जानते हो, कपड़ा को जानते हो। और जिस दिन बाबा साहब ने लड़ के आपको एक वोट का अधिकार दिया उस दिन कंफ्यूज हो जाते हो, कौन इसको सुधारेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 4 साल 11 महीना 29 दिन अपनी नमक रोटी खा के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जी सकते हो, तो एक दिन अपनी मान्य बहना जी के लिए भी वोट के दिन मान सम्मान के लिए हाथी पे बटन दबा के और मान्य बहन जी को 5वें वर्ष CM बना दीजिए। इसमें पैसा लगेगा, ये काम होना चाहिए कि नहीं? मान्य बहन जी ने नौजवानों को 50% पदाधिकारी बनाया, इसलिए बनाया है कि 80 के दशक वाले बूढ़े हमारे चाचा डंडा और झंडा लेके चले तो 4 बार सरकार बने। यदि नौजवान पदाधिकारी बन गए 5वीं बार, यदि इन बूढ़ों का आशीर्वाद लेके और एक बार ललकार के कह दिए ताऊ दादा काका
अब उठ जाओ, अपना पुराना अनुभव निकालो और जय भीम का नारा लेके झंडा लहराओ। यदि बूढ़ों ने आशीर्वाद देके झंडा लेके चलना शुरू कर दिया तो नौजवान भी आगे निकल पड़ेंगे और 22 में कारवां बीएसपी का परचम लहरा जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को कि जवानी वो जिसमें दरिया की रवानी हो। यदि आप नौजवान हो, आपके रगों में रक्त पानी न हुआ हो, तो जवानी वो जिसमें दरिया की रवानी हो, जवानी वो जिसकी अपनी कहानी हो। एक कतरे से खत्म नहीं होती कहानी मेरी, जाके दरिया में मिलती है रवानी मेरी। हम वो कतरा नहीं जिसमें दरिया समा जाए, हम वो कतरा है जिसमें दरिया आके समा जाए, समा जाए। आप मेरे बहादुर कार्यकर्ता हूँ, आपको इस बात को भी मानना होगा कि माँ बाबा साहेब ने एक वोट का अधिकार दिया। एक वोट के अधिकार के लिए आपको यदि जानते हैं, मानते हैं और उनको विचारों को धरातल पे लाते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। यदि बाबा साहब को सभी जानते मानते हैं ना, बोलिए। अब इसी तरह हाथ जैसे उठाए हैं, बहादुरी से हाथ उठाइएगा और सही ईमानदारी से। बाबा साहब ने आदेश दिया था कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपने दरों दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासक हैं। कितने लोगों ने अपने दीवारों पर लिखा बताएं? अब आप समझ लो कि बाबा साहब को कितना आपने धरातल पे अपनाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे नौजवान साथियों, बाबा साहब के विचारों को घर घर, माननीय बहन जी के जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल तक लाना है, तो उठो धरा के अमर सपूतों, फूको शंख जवानी का, तुमको कर्ज चुकाना होगा बाबा साहेब की कुर्बानी का, कुर्बानी का, कुर्बानी का। आज आपके बीच में प्रजापति समाज से भाईचारे की सीख लेनी चाहिए। एक माटी को तोड़ के, सान के, पानी डाल के, लोथा बना के, तब जाके चाक पे रखता है और दिया जब घुमाता है चाक पे तो मिट्टी के दिए का आकार बनता है। एक माटी का दिया बाबा साहेब से निडरता का सीख लो, उनके संघर्ष से सीख लो। एक माटी का दिया सारी रात अंधियारों से लड़ता है, एक माटी का दिया सारी रात अंधियारों से लड़ता है, और तू तो भीम का दिया है, किस बात से डरता है, किस बात से डरता, किस बात से डरता है। आपको यदि आज हमको सावधान किनसे रहना है? हमको सावधान उनसे रहना है जो छोटे छोटे दल बना के समाज को बरगला के तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिसको माननीय कांसी राम साहब ने कहा था कि एक बार कोई धोखा दे तो ये आपकी गलती नहीं, लेकिन दोबारा यदि उस आदमी ने फिर धोखा दिया तो अब उसकी गलती नहीं, ये आपकी गलती। माननीय कांसी राम साहब ने इस बात को भी कहा कि यदि एक फिट की लाइन है तो उस लाइन को मिटाओ नहीं, उसके बगल में 2 फिट की लाइन बन जाओ। माननीय साहब ने इस बात को भी कहा था कि जिसका वजूद मिटाना हो उसका नाम लेना बंद करो। कोई लेता है नाम, हम लोगों को सीखना चाहिए कैसे। आज माननीय कांसी राम साहब की बताई बात को, जो मैं छोटे छोटे समाज की बात कर रहा हूं, आपको बताना होगा मेरे पिछड़े गरीब समाज अकलियत के लोगों को कि हमारा भलाई, हमारा कल्याण, पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित, अकलियत, गरीब लोगों की भलाई के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो इस देश में एकमात्र आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही हैं। इसलिए आपको बताना होगा कि माननीय बहन जी ने कितना जन कल्याणकारी काम किया। हमारे इतने काम हैं कि वो एक जुमला फेंक के सरकार बना सकते हैं और हम माननीय बहन जी के हजारों सही कामों को एक बार भी सही से नहीं बता पाते हैं। कौन बताएगा? हम लोगों को गांव-गांव जाके बताना होगा कि माननीय बहन जी ने जन कल्याणकारी काम किए, कैसे किए,
कि माननीय बहन जी ने 11 मेडिकल कॉलेज बड़े बड़े बनवाए, जिसमें जब कोविड-19 के मरीज परेशान हुए, पीड़ित हुए, तो जब कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़ी तो उसी बड़े अस्पताल में उनका इलाज हुआ जिसको माननीय बहन जी ने अपने शासन काल में बनवाया था, और उसमें इलाज हुआ तब जाके उनकी ज़िंदगी बच पाई। आपको ये भी बताना होगा कि माननीय बहन जी की दूरगामी सोच 2007 के शासन काल में नोएडा गाजियाबाद में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। जब इस समय ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा, लोग मरने लगे ऑक्सीजन की कमी से, तो माननीय बहन जी को उसी प्लांट को फिर खुलवा के ऑक्सीजन बनाया गया, सिलेंडर में भरा गया, और जो मौत की ज़िंदगी से जूझ रहे थे सांस के अभाव में, उनको सांस देने का काम और सिलेंडर बनाने भेजने का काम किसी ने किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने। आपको ये भी बताना होगा कि 3 एकड़ ज़मीन का पट्टा भूमिहीनों को आदरणीय माननीय बहन जी ने दिया। आपको ये भी बताना होगा कि सर्वजन हिताय सुखाय की बात करके 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी रोजगार देने की बात की माननीय बहन जी ने, सर्वजन हिताय सुखाय की बात की माननीय बहन जी ने, कभी बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं की, लाखों लाख स्थायी नौकरी देके नौकरी देने की बात की। आपको ये भी बताना होगा भ्रूण कन्या को 20,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट करके 18 साल में लाखों लाख रुपए देने के लिए शादी ब्याह में काम किया। आपको ये भी बताना होगा कि माननीय बहन जी ने 76,000 पुलिस की भर्ती की, जिसको विकसित देशों ने सराहा कि निष्पक्ष और न्यायप्रिय भर्ती हुई तो माननीय बहन जी के शासन काल में हुई, जिसमें हमारे गरीब समाज के बेटे आज वर्दी पहन के नौकरी कर रहे हैं सिपाही की। तो ये और किसी की देन नहीं है, माननीय बहन जी की देन है। 78,000 शिक्षकों की नियुक्ति। आपको ये बताना होगा कि आप पेंशन बढ़ाने का काम, आपको ये बताना होगा कि माननीय बहन जी ने 4-4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, माननीय बहन जी ने वो सड़क बनाई यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा आगरा और दिल्ली को जोड़ने वाला 165 किलोमीटर लंबा ऐसा सड़क एक्सप्रेसवे बनाया कि उसमें 2 टायर से 100 टायरा का ट्रेलर भी चलेगा तो धसकने वाला नहीं है। इमरजेंसी युद्ध की स्थिति में यदि फाइटर प्लेन भी लैंड करना पड़े तो वो सड़क माननीय बहन जी ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया। आए महापुरुषों के नाम पे जिले बनाने का काम किया, माननीय बहन जी ने 27 जिले बनाए, जिसमें अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, संत कुशी नगर, भीम नगर, पंचशील नगर, उधम सिंह नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, ये बना के सम्मान देने का काम किया। आपको ये भी बताना होगा कि बाघ और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाने का काम किसी ने किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। माननीय बहन जी वो शख्स हैं जिन्होंने जन कल्याणकारी नीतियों मान्य और कांशीराम शहरी आवास विकास योजना बना के उन लोगों को छत मुहैया कराया जो सड़क पे सोते थे, रेहड़ी लगाते थे, ठेला पे चलते थे, जो सावन भादों में पानी गिरे घर में तो छत भी नहीं बना सकते थे, प्लास्टिक ओढ़ के सोते थे, ऐसे गरीब लोगों को मान्य और कांशीराम शहरी आवास विकास योजना बना के सम्मान देने का काम किया। माननीय बहन जी ने आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास विकास समग्र योजना बना के गांव में विकास करने का काम, पक्की सड़क, लाइट देने का काम किया। माननीय बहन जी ने आज सभी विरोधी लोग कहते हैं, विरोधी दल के एक हमारे नेता कहते हैं कि अब की सरकार शिक्षा वाली सरकार बनाएंगे। अरे आप करारा जवाब दो उनको कि माननीय बहन जी ने तो 2007 के शासन काल में ही शिक्षा को फ्री कर दिया, 0 बैलेंस कर दिया, जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, और 6-6 इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर बनाया जिसमें सहभागिता भागीदारी भवन के भागीदारी के तहत वो गरीब लड़के जो प्रतिभाशाली हैं, जिनको खाना, रहना, कपड़ा लत्ता है, कोचिंग फ्री,
हर साल 4 कलेक्टर कप्तान उसमें निकलते हैं, लेकिन इस बार हापुड़ के इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर में 67 कलेक्टर कप्तान तहसीलदार और SDM निकले, तो ये माननीय बहन जी के दूरगामी सोच और शिक्षा का परिणाम है। आपको ये भी बताना होगा कि माननीय बहन जी के नेतृत्व क्षमता की दुनिया कायल है। माननीय बहन जी 12 जून को अकाली शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी से अकाली दल से समझौता करती हैं और 7 समंदर पार जर्मन और कनाडा के लोग माननीय बहन जी को धन्यवाद देते हैं कि माननीय बहन जी पंजाब में सरकार बनेगी तो आपकी बदौलत और खुशहाली के दिन आने वाले हैं। आपको इस बात को भी कहना होगा कि जब माननीय बहन जी पहली बार CM बनी, तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव साहब ने ये कहा था कि ये लोकतंत्र का चमत्कार है। माननीय बहन जी की नेतृत्व क्षमता देखिए, यहाँ से दूर हजारों किलोमीटर कर्नाटक अन्ना महेश एक विधायक हुए, जब सरकार बनी कर्नाटक में तो कन्ना महेश एक विधायक कैबिनेट मंत्री शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ लिए। आपको ये भी बताना होगा कि माननीय बहन जी की नेतृत्व क्षमता की दुनिया कायल है। माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर राम जी गौतम साहब जो दलित समाज के बेटे जिनको माननीय बहन जी ने राज्यसभा में नामित किए, राज्यसभा में सांसद के लिए नामांकन कराया, उनका नामांकन भरवाया और दूसरे विरोधी दल ने एक उद्योगपति को लड़वाया, इसलिए कि गरीब दलित का बेटा राज्यसभा में ऊंची सदन में जाके गरीबों की बात करेगा, इसको रोकना है, इसलिए उद्योगपति को लड़ाया। लेकिन धन्य मान्य बहन जी, उनकी सोच उनकी नेतृत्व क्षमता ऐसा दांव खेला कि उद्योगपति की जमानत जब्त हो गई और गिनती भी गिननी नहीं पड़ी, इंजीनियर राम जी गौतम निर्विरोध राज्यसभा में सांसद बन के शपथ लिए। आपको ये भी बताना होगा कि माननीय बहन जी मानवता के प्रति कितनी सचेत हैं कि डीजल का दाम बढ़ता है तो ट्वीट, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ट्वीट करती हैं। माननीय बहन जी अविलांस हिमस्खलन होता उत्तराखंड में, उनके मानवीय संवेदनाओं के प्रति ट्वीट करती हैं। यदि बाराबंकी में बस ट्रक का एक्सीडेंट हो तो उनके मरीजों को उनके डेड बॉडी को घर ले जाने के इंतजाम करने के लिए, किसानों की मांग के लिए कहीं अत्याचार हो रहा उस पर माने ट्वीट। आज पलिया आजमगढ़ जिले में है, पासी समाज की बेटी के संग अत्याचार हुआ, माननीय बहन जी ने सिर्फ ट्वीट नहीं किया, वहाँ श्री गयाचरण दिनकर साहब को भेज के बसपा का डेलीगेशन भेज के और मजबूती से पासी समाज के संग खड़े होके ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी आपके सुख दुख में साथ है और न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेगी। आपको इस बात को भी बताना होगा कि हमारी सरकार कितनी बड़ी विडंबना है कि शासन सत्ता का विरोध होता है ना, हमारी न केंद्र में सरकार है न प्रदेश में सरकार है, लेकिन हमारा विरोध सरकार शासन वाले भी करते हैं और जो विपक्ष में मुखिया विरोधी क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हैं वो भी विरोध करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हाथी आगे बढ़ रही है, बहुजन की ताकत बढ़ रही है और 22 में BSP की सरकार बनने जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब हमको माननीय बहन जी के उस माननीय बहन जी ने आपको कोई भी नारा प्रेरणा देता है और माननीय बहन जी ने आपको नारा दिया है उसको मेरे संग बोलना है, यूपी को बचाना है, लाना है। हम जितना कढ़ाएं उतने घटाइए आप लोग। गांव में आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, बताइएगा भैया, नहीं तो कहेंगे रेले जा रहे थे जी। गांव में हमारी दादी परदादी ट्रेडिशनल गीत शादी ब्याह परछौना गारी गीत गवनई गाती थी, हजारों साल की परंपरा। हमारी नतनी बेटी कभी यूनिवर्सिटी से डिग्री दादी ने नहीं लिया, न उसकी डिग्री न पढ़ाई की, ये श्रमण पद्धति से सीखते आए। दादी ने गीत गाया और नतनी ने उसको सुना, दादी ने कढ़ाया और नतनी ने उसको उठाया। इस तरह हजारों साल की परंपरा आज भी जिंदा और बरकरार है। इसलिए जब मैं कढ़ाऊँ तो आप लोग भी जरिया से उठाइए, कैसे कि यूपी को बचाना है तो आप कहेंगे बचाना है,
यूपी को बचाना है, बचाना है, बचाना है। हाथ में सरसों और मुंह में घी जमा के सरकार बनानी है, यूपी को बचाना है, बचाना है, बचाना है। कुदरत ने दो दो हाथ बख्शा, काहे थैलिया में डाल के परेशान। यूपी को बचाना है, बचाना है, बचाना है। यूपी को बचाना है, बचाना है, बचाना है। सर्वजन को बचाना है, बचाना है, बचाना है। सर्वजन को बचाना है, बचाना है, बचाना है। बीएसपी को सत्ता में लाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है, लाना है, लाना है। जरूर लाना है, जरूर लाना है। आपको इस तरह गांव गांव जाके जगाना होगा, आपको समझाना होगा, आपको बताना होगा, इसलिए कि हमारे बीच में 150 दिन है चुनाव को, और एक विधानसभा में 425 बूथ से कम नहीं। 150 दिन सब काम छोड़ के भी जाओगे तो पूरे बूथ पे पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए माननीय बहन जी ने जो कहा है कि बूथ और सेक्टर का गठन कर लो, और मेरे बहादुर सेक्टर बूथ के कार्यकर्ता आप लोगों को लगना है, काम करना है। हमारा जो उम्मीदवार आएगा वो दौड़ेगा ही, लेकिन आपको भी अपना सेक्टर बूथ 1 वोट से लेके 1000 वोट तक जिताना है, तभी जाके हम सरकार बना पाएंगे। इसलिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि माननीय बहन जी के कल्याणकारी कामों को गांव तक पहुंचाना है, बाबा साहब के विचारों को लेके चलना है। बाबा साहब के विचारों को धरातल तक पहुंचाना है। ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बहादुर है, शूरवीर योद्धा है, ये स्वाभिमान के लिए जीता है। माननीय बहन जी को 4 बार CM बनाया है, इसलिए मैं इन कार्यकर्ताओं को सर झुका के सलाम करता हूँ, इस बात के संग कि धरती का सीना चीर के अनाज उपजा सकते हो, समंदर में डूब के मोती निकाल सकते हो, कोयले की खानों में जाके काला हीरा निकाल सकते हो, आसमान और धरती के बीच से नीर निकाल सकते हो, सुई से लेके हवाई जहाज बना सकते हो, और दशरथ माझी माउंटेन मैन मुसार का बेटा छेनी हथौड़ा उठा ले तो 390 मीटर पहाड़ों का सीना चीर के रास्ता बना देता है। आप वो बहादुर कार्यकर्ता है मेरे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता। यदि चट्टान को हथेली में बंद करके जय भीम का नारा एक बार इकबाल बुलंद कर दे तो चट्टान भी टूट के बालू बन के नीचे बिखर जाता है। आप वो बहादुर कार्यकर्ता, धरती का सीना चीर के अनाज उपजा सकते हो, समंदर में डूब के मोती निकाल सकते हो, कोयले की खानों से काला हीरा निकाल सकते हो, सुई और हवाई जहाज बना सकते हो, तो कसम बाबा साहेब की 22 में भी हथिया पे बटन दबा दोगे तो यूपी में BSP की सरकार बोलिए। अब यहाँ समझना क्या होगा, हम लोग मानवतावादी, एक तरफ शासन के लोग, हमारे बीच में मुस्लिम भाई भी बैठे हुए हैं, ये ज़रा शेर व शायरी को ज़्यादा समझते हैं। एक तरफ शासन वाले झांक रहे हैं कि 22 में हथिया पे बटन जोर से लग गया तो हम हमारी जाने की तैयारी न हो जाए, तो वो भी झांक रहा है, और जो विपक्ष में बैठा है वो भी ताक रहा है। कैसे कि कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो ताके। हम ये नहीं कहेंगे कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो ताके, लगा दो, हम ये नहीं कहेंगे। हम मानवतावादी, हम प्रेम वाले हैं, हम क्या कहेंगे कि कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो ताको, अरे दबाए दो हथिया पे बटन, न ई झांके न वो ताके, न वो ताके न ई झांके, होना चाहिए कि नहीं।
होना चाहिए कि नहीं? तो प्रकृति भी आप लोगों की अनुकंपा बरसा रही है। कैसे कि संत गाड़गे ज्ञानेश्वर जी से लेके संत रैदास, कबीर दास, गुरु घासीदास, नारायण गुरु से लेके महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज से लेके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्य कांशीराम, आदरणीय बहन मायावती जी तक ये संतों गुरुओं की अनुकंपा बरस रही है। कैसे कि एक बार एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े मैदान माता रमाबाई अम्बेडकर, जहाँ 10 लाख की भीड़ होती है, वहाँ मान्य बहन जी रैली को संबोधित कर रही थी। लोगों ने सोचा, विरोधी ने सोचा कि बगल में मधुमक्खी का छत्ता है, उछाल ने लोड़ा तो ये उड़ के काटेंगी तो रैली फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन धन्य ये संतों गुरुओं की अनुकंपा, मधुमक्खी उड़ी, हनहनाई भनभनाई, लोगों के सर से गुजरी। मान्य बहन जी जहाँ संबोधन कर रही थी, चारों ओर उनका परिक्रमा की और चरणों में नतमस्तक होके वापिस अपने छत्ते पे चली गई। ये संतों गुरुओं की विचारों की पार्टी और अनुकंपा हो रही है, इसीलिए 22 में अनुकंपा कैसे हो रही है, प्रकृति कैसे आपका साथ दे रही है। अंबर का रंग भूल गए, बोलोगे नहीं तो हम समझेंगे हम ही खाली बोल रहे हैं। अंबर का रंग, समंदर के पानी का रंग, बहुजन समाज पार्टी हाथी निशान झंडे का रंग, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की टोपी का रंग, पगड़ी का रंग, गमछे का रंग, इलाहाबाद की 12 विधानसभा के उम्मीदवारों के झंडे का रंग, जिसको 22 में टप्पा का भतिया पे बटन दबा के जिताएंगे उन विधायकों के झंडे का रंग अंबर नीला, समंदर नीला, टोपी नीला, गमछा नीला, उम्मीदवार के झंडे का रंग नीला, विधायक के झंडे का रंग नीला, प्रयागराज नीला, और आजमगढ़, नव बनारस, बरेली और गोरखपुर, बनारस, पटना, मिर्जापुर, सोनभद्र, अयोध्या के अयोध्या का रंग नीला हो सकता है तो कसम बाबा साहेब की 2022 में लखनऊ के मैदान का रंग भी नीला हो जाएगा। इसको कोई रोक होना चाहिए कि नहीं, बोलिए, इसको करेंगे ना। लेकिन हमारा समाज, हमारे कार्यकर्ता बड़ा जल्दी गर्म हो जाते हैं। हमारा सबसे माइनस पॉइंट है, हम दूसरे की कमी ज़्यादा खोजते हैं बनिस्बत अपनी कमी सुधारने का। आज वो 100 किलोमीटर की गति से सत्ता नशीन दौड़ रहा है इस बात के लिए कि 22 में BSP वाले हम लोग को उतार न दें, इसलिए वो 100 किलोमीटर की गति से भाग रहा है। और हम 4.5 साल बैठे हैं, 6 महीना बचा है, अभी भी सोचते हैं कि कैंडिडेटवा आ जाता तो गड़िए में बैठ के चुनावा फरिया दे, ऐसे में काम चलेगा? यदि वो 100 किलोमीटर की गति से सत्ता बचाने के लिए भाग रहा तो आपको भी बाबा साहब की सौगंध, यदि बहन जी के आप सच्चे भाई हैं तो 120 किलोमीटर की गति से भागो, दौड़ो और जब तक ललकार लगाओ, जब तक हाथी पे बटन दबके इस उत्तर प्रदेश में BSP की सरकार न बन जाए तब तक जागो, भागो, दौड़ो। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, माननीय राज्यसभा सांसद जी मुझको छोटे भाई की तरफ सींचे, मैं